ये है डेविल मोमोस और इसका थोड़ा सा डालते हैं अपनी प्लेट में। टिंगमो ब्रेड अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा लेना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी एंड आप देख रहे हैं मजनू का टीला की फूड सीरीज एंड हम लोग आ जाए हैं हमारे रेस्टोरेंट में। तो हम लोग यहाँ पे आके तीन चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैं आपको तीन अलग अलग टाइप की वीडियोस दिखाऊंगा जो होगी आमा रेस्टोरेंट की, आमा थकाली की और आमा कैफ़े की। तीनों अलग अलग हैं, सब में आमा है बट तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज हम लोग आए हैं आमा रेस्टोरेंट में और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का खाना। टिपिकली यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है वेज थुपका, वेजिटेरियन चैनल है तो वेज होगा सब कुछ, एक वेज थुपका और एक है यहाँ के मोमोज़। तो मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को जो यहाँ पे स्टाफ था उन्होंने रेकमेंड किया कि आप डेविल मोमोज़ खाइए और ये स्पेशली मेरे लिए वेजिटेबल डेविल मोमोज़ बनवा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आप लोगों के लिए भी बनवा सकते हैं कि नहीं। तो बहुत स्पाइसी मोमोज़ होने वाले हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो खाने के लिए, बिकॉज एज यू नो मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टिंग विद द फूड। तो गाइज़ हम लोगों का खाना आ चुका है एंड हम लोगों ने मंगवाई है तीन चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताई थी। और ये देखो क्या बढ़िया फ्रेश अहमदाबादी ब्रेड लग रही है और इसका साइज़ देखो आप, तो कितना बड़ा साइज़ है इसका। और एकदम मैंने इसको स्मेल करा, बहुत सही एकदम फ्रेश लग रही है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। बट बाकी हम लोगों को इतना ज़्यादा मेन कोर्स खाने का कुछ मन नहीं था तो डेविल मोमोज की ग्रेवी से ही इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करना बनता है। एंड अब खाना शुरू करते हैं। तो आप नीचे आप ये जो कपड़ा देख रहे हैं नीचे, हम लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो यहाँ पे ये रहे इंस्टाग्राम के लिंक्स। और अब खाना शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक मोमोस तोड़ के रखा हुआ था, ये है डेविल मोमोस और इसको थोड़ा सा डालते हैं अपनी प्लेट में। एक और ले लेते हैं, सुपर यम मोमोस डैम। और थोड़ी सी इसकी ग्रेवी ले लेते हैं अलग से फॉर अहमदाबादी, ब्यूटीफुल। अब ये आ चुका है और सबसे पहले खाना शुरू करते हैं थुपका से। तो इसको अलग रखते हैं और थुपका ले आते हैं। तो थुपका में मुझे बहुत सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये नूडल्स हैं, ये नीचे इसकी वेजिटेबल ब्रॉथ है और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारा सोया है। तो अब थोड़ा सा लेना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं। एंड ओके वेजिटेबल ब्रॉथ बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बहुत स्मूथ सा टेक्सचर है और नूडल्स इतनी बढ़िया हैं एकदम सब कुछ। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट थुपकास आई हैड, लाइक बहुत आई कांट इवन टेल कितना अच्छा ये इसका फ्लेवर है। और ये ऊपर मुझे सोया इतना अच्छा नहीं लगा बट ऊपर जो वेजिटेबल्स हैं वो एकदम
पैन फ्राइड है, पता नहीं क्या है, क्रिस्पी सा एकदम फ्लेवर आ रहा है, तो आपको वेजिटेबल्स का बॉइल्ड फ्लेवर और नूडल्स का क्रिस्पी फ्लेवर आ रहा है। और ये देखो कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है भाई। ये तो मैं अकेले ही खा जाऊँगा सारा। जितना सुना था इसके बारे में उतना ही ये टेस्टी है। अब आगे बढ़ते हैं तिंगमो ब्रेड के साथ, हम खाते हैं डेविल मोमोस की ग्रेवी। बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है। तिंगमो ब्रेड अगर आपको नहीं पता, इसको यूजुअली अहमदादसी के साथ खाते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो आप इधर जो देख रहे हैं वो है अहमदादसी और तिंगमो ब्रेड, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। आप इसको ग्रेवीज के साथ भी खा सकते हैं, आप चिली पनीर के साथ खाइए, मंचूरियन के साथ, आई डोंट नो, मतलब ग्रेवी के साथ खाना अच्छा लगता है। डेविल मोमोज की ग्रेवी के साथ हम लोग इसको खा के देखते हैं और बहुत रिफ्रेशिंग है। मोमोज की ग्रेवी एकदम स्पाइसी नहीं है, बट जैसे लगता है ना कि हाँ खा के एकदम जैसे मोमोज की स्टफिंग वाला फ्लेवर आ रहा है आपको। और मुझे इसको खा के एक चीज़ तो बिल्कुल श्योर हो गया हूँ मैं कि ये जो मोमोज हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं, क्यों ग्रेवी खा के ये तो पता चली गया। तो अभी आपको दिखाता हूँ मोमोज अंदर से कैसा दिखता है। तो नीचे आप आ जाइए और आपको दिखाता हूँ ये मोमोज अंदर से कैसा दिखता है। इसको तोड़ते हैं, चलो अब ये मोमोज को तोड़ते हैं, देखते हैं आपको कैसा लग रहा है अंदर से। और टूट जा, ये देखिए ये मोमोज काफ़ी हैवीली स्टफ्ड है, एकदम वेजिटेबल का पेस्ट बना रखा है। इसको टेस्ट करते हैं कैसा है, थोड़ी सी ग्रेवी लेते हैं। मोमोज की फीलिंग इतनी ज़्यादा रिच है, आउटर कवरिंग एकदम थिक नहीं है, एकदम जैसे एप्ट है। और जो एकदम फ्लेवर आ रहा है साथ में ग्रेवी के साथ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आई एम रियली एंजॉइंग माई मील ओवर हेयर। ये जो हम लोगों ने तीन चीज़ें मंगवाई है, दिस इज़ इनफ फॉर टू पीपल, और प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। 80-90 rupees फॉर थुपका एंड 100 rupees फॉर, तो अंडर 250 rupees आपको अगर खाना मिल रहा है तो मैं रेस्टोरेंट में मैं समझता हूँ वो अच्छा प्राइस है। हाँ तो बस अब खाना ख़त्म करता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। उम्मीद है आपको ये मजनू का टीला की सीरीज़ पसंद आई होगी। इसके चारों एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा अलग थे। आमा कैफ़े थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होगा शायद सैंडविचेस और ब्लूबेरी चीज़ केक और कॉफ़ी वगैरह का, बट जो थकाली थी, जो नेपाली थाली मैंने आपको पहले दिखाई, जो लाफिंग दिखाई, और अभी जो मैंने आपको डेविल मोमोज और ये थुपका दिखाया, काफ़ी लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। और मेरा बेसिकली इस चैनल को स्टार्ट करने का यही पर्पस था कि मैं आपको अलग अलग जगहों की अलग अलग वेज चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि छोले भटूरे हो गए, आपके दाल मखनी होगी, राजमा चावल, ये सब मुझे भी पसंद है, ये सब आपको भी पसंद है, पर जो एशियन खाना है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे ये आपका आमा का थाली और आमा कैफ़े में और आमा रेस्टोरेंट में, जो भी बेसिकली मजनू का टीला में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे तिब्बतन और चाइनीज़ खाना मिलता है। बेसिकली मजनू का टीला एक ऐसी जगह है दिल्ली के अंदर जहाँ पे जो तिब्बतन कम्युनिटी है वो बसी हुई है, तो एक बहुत ही छोटी सी जगह है जहाँ पे बहुत आपको तिब्बतन लोगों की भारी संख्या में लोग मिलते हैं, और वहीं पे एक कम्युनिटी पूरी डेवलप हो गई है, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आ गए हैं। तो वेज खाना हम लोग ढूंढने वहाँ पे निकल गए थे, और वहाँ पे रीगोज़ कैफ़े भी है और एक दो और रेस्टोरेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पर रीगोज़ और आमा रेस्टोरेंट का मेन्यू ऑलमोस्ट सेम था, तो मैंने बोला सब आमा कर रहे हैं तो आमा ही करते हैं। अच्छा, आमा मेरे को पता चला वहाँ जाके कि तिब्बतन लैंग्वेज में आमा का मतलब होता है मदर, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी मेरे को चीज़ सीखने को मिली। ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जो एशियन खाना है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो जैसे मैंने आपको आज अलग चीज़ें दिखाई कुछ थुपका जैसी, वैसी एक चीज़ होती है फो। फो मेरे को ट्राई करनी है, मैं जल्द ही ढूंढ रहा हूँ कोई जगह। अगर आपको पता हो दिल्ली में जो फो बनाती हो, वियतनामीज नूडल कहते हैं उसे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले हफ्ते एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ आने वाली है, जो होने वाली है
एशियन खाना आपको मैं दिखाऊंगा, सुशीज आपको, टॉम का सूप और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत टेम्पटिंग होने वाला है सारा का सारा। वो प्योर वेज रेस्टोरेंट है गाइस, वहाँ पे कुछ नॉनवेज नहीं बनता, तो बहुत टेम्पटिंग होने वाला है वो भी। अगले हफ्ते बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है, और अगला हफ्ता हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगला हफ्ता नहीं यही हफ्ता, हमारे 10,000 का माइलस्टोन जो मैं आपको लास्ट दो वीडियोस में बता रहा था, अब फाइनली हम लोगों का 10,000 का माइलस्टोन, जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक शायद हो जाएगा। और बहुत ही मेरे को बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, और बाकी इसके बारे में बात करेंगे संडे को। इस संडे को लाइव करेंगे हम लोग रात को 10 बजे, और मैं आपके काफ़ी सारे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर दूंगा। तो आपको अगर अभी क्वेश्चन पूछना है तो मैं उनको लिस्ट बना के संडे लाइव में बताऊंगा, और संडे लाइव में एक आपके लिए सरप्राइज मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, तो अगर आपको वो सरप्राइज़ देखना है तो संडे को 10 बजे वेजी पाजी पे लाइव करेंगे हम लोग, 10 के सेलिब्रेट करेंगे। आप एक बार अपना नाम बताएंगे? गुड्डू कुमार। गुड्डू भैया, ये कौन सा रेस्टोरेंट है? आमर अफसल। आमर अफसल जी, आमर अफसल जी, आमर अफसल जी। ये यहाँ पे कौन सा खाना मिलता है? यहाँ पे टिबेटन खाना है और चाइनीज। अच्छा, तो वेजिटेरियन में पॉपुलर क्या क्या रहता है? यहाँ पे वेज सिजलर हो गया, वेज मोमो हो गया, वेज डेविज मोमो हो गया। जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, कोई एक दो चीज़ें कोई बताइए आप। यहाँ पे तो ज़्यादा लोग मोमो ही पसंद करता है जी, और थुप्पा। टाइमिंग यहाँ पे ऐसे मॉर्निंग में 7-7 बजे खुलता है, लेकिन यहाँ लंच स्टार्टिंग 12-12 बजे। ऐसे 12 बजे से स्टार्टिंग है लंच का, और रात को 10 बजे तक। 12 से 10 टाइम जी। अच्छा, ज़्यादा एवरेज 500-400 जी। एटीवे एमटी बोलता है कॉलोनी, टिबेटन कॉलोनी जी, मजलू का टीला, ओल्ड में। और ये जो आपको सबसे अच्छा चाइनीज खाना कहाँ पे लगता है, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर मोर सच सीरीज। और मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताओ कि आपको ये मजनू का टीला की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीरीज़ कैसी लग रही है। बहुत सारी और सीरीज़ पेज पे डल चुकी है, चैनल पे डल चुकी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लो। और टिल देन मैं जाता हूँ कोई बढ़िया सी जगह और ढूंढने, तो बाय बाय।